हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ अ पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर ग्राफ्स। सो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो देखिए, आप डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितनी ज्यादा फैसिलिटी यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, तो देखिए, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा अमाउंट का बिल आएगा। ठीक है, ज्यादा यूज करेंगे तो बिल भी ज्यादा आएगा, कम यूज करेंगे तो बिल भी कम आएगा। मीन्स इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? कौन सा वेरिएबल होगा डिपेंडेंट? अमाउंट ऑफ बिल, क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा बिल, तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या जितना ज्यादा यूज करें, लेकिन बिल तो उस पे ही डिपेंड करेगा ना। समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? लाइक नंबर ऑफ पेन और उसका कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और नंबर ऑफ पेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन को हम लीनियर ग्राफ से शो कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, वो क्या बता रहा है? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट। अगर पेट्रोल 10 लीटर है तो कॉस्ट कितना होगा? 500, 15 लीटर तो 750, 20 तो 1000, 25 तो 1250। प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डेटा। सो हमें डेटा को ग्राफ पे शो करना है। सो देखिए, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किसको शो करेंगे, वाई एक्सिस पे किसको शो करेंगे। तो ध्यान रखिए, हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो होता है हमेशा, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो चाहे जितना हम यूज करें। और कॉस्ट क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना यूज करेंगे उसी हिसाब से हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब देखिए, x और y दोनों नंबर में है, मतलब दोनों के लिए स्केल हमें चूज करनी पड़ेगी। तो देखिए, पहले x के लिए चूज कर लेते हैं स्केल। तो नंबर क्या क्या है? 10, 15, 20, 25, तो सब 5 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों में नंबर है तो यहाँ पे जीरो हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरफ नंबर रहता है, एक तरफ कोई क्वांटिटी होती है, लाइक टाइम हो गया, ये सब हो गया, तो वहां जीरो नहीं लिखते हैं तब हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले 5, क्योंकि स्केल 5 ले लिया। 10, 15, 20, 25, 30, 35 और x। ठीक है, जैगलाइन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल का स्केल चूज करते हैं, तो लिखा है 500, 750, 1000, 1250। तो देखिए, आप इसको 100 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 1250 दिया, मतलब 13 बॉक्स तक चाहिए। उतना बॉक्स तो हमारे पास है नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे? 250 लेके करते हैं, क्योंकि सारा 250 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750। ठीक है, वाई। अब ये क्या क्या शो कर रहा है वो लिख लेते हैं। तो एक्स क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एरो बना दीजिए। फिर है इधर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीस। ठीक है,
चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। तो पहला है 10 और 500, ठीक है, लीटर 10 है और उसका कॉस्ट क्या है 500। तो कोऑर्डिनेट के थ्रू हम इसको शो करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा लीनियर ग्राफ बना रहे हैं। तो हॉरिजेंटल हो गया 10 और वर्टिकल हो गया 500, तो 250 इसके ऊपर 500, तो ये हो जाएगा 10, 10, 500, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 15, 750 है, तो 15 उसके बाद 750, तो 250, 500 फिर 750, ये होगा तो 15, 750, ठीक है। फिर है 20, 1000, तो 20 हॉरिजेंटल 1000 वर्टिकल यहां बनेगा, तो 20, 1000। नेक्स्ट है 25, 1250, तो 25 ये और 1250 यहां बनेगा ये प्लेन, तो 25, 1250, ठीक है। अब हम चलिए लाइन पास करा देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, लाइन देखिए ड्रॉ हो गई है, देखिए ओरिजिन से पास करी, ओरिजिन के पास करी तो क्या बता रहा है, अगर 0 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो कॉस्ट भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी एक चीज बचा हुआ है यहाँ पे, स्केल लिखना, तो चलिए हम स्केल लिख लेते हैं, स्केल, ठीक है, लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू कॉमा इक्वल टू 5 लीटर, क्योंकि 5 चूज किया था। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 250 रुपीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 इज ए बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट SI ऑन डिपॉजिट्स बाय सीनियर सिटीजन्स। Draw a graph to illustrate the relationship between sum deposited or simple interest earned. Find from your graph the annual interest obtainable for an investment of ₹250, and second is the investment one has to make to get an annual simple interest of ₹70. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जितना भी हम डिपॉजिट करेंगे तो उसपे हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में। पहले उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो लेकिन यहाँ पे टेबल तो दिया नहीं है, तो हम टेबल खुद फॉर्म करेंगे। चलिए हम बताते हैं कैसे। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखा है हमें कहाँ पे किस चीज का ग्राफ बनाना है, सम डिपॉजिटेड और सिंपल इंटरेस्ट अर्न, तो यही लिखेंगे पहले सम डिपॉजिटेड और SI फॉर अ ईयर, ठीक है, एक साल का दिखा रहे हैं, एक साल पे 10% मिल रहा है। तो लाइक अगर हमने सम डिपॉजिट किया ₹100, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो क्या होगा पी की जगह 100 इंटू रेट कितना है 10 इंटू ईयर कितना है 1 अपॉन 100, तो देखिए 100 कैंसिल हो गया तो आ गया ₹10, ठीक है। अब मान लीजिए हमने सम डिपॉजिट किया ₹200, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 200 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल तो आ गया ₹20, ठीक है। ऐसे ₹300 का होगा कितना ₹30, ₹500 का कितना होगा ₹50, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक डेटा तैयार हो गया, इसको हम टेबल में कर लेते हैं। अब अच्छे से स्केल के थ्रू ड्रॉ करिएगा, लुक नॉट गुड बट ओके, ठीक है, ये टेबल देखिए यहां बन गया है। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करते हैं तो देखते हैं पहले एक्स एक्सिस पे कौन सा रहेगा और कौन सा वाई एक्सिस पे, तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे, तो हम डिपॉजिट तो कितना भी मनी कर सकते हैं, तो ये इनडिपेंडेंट होगा, तो ये एक्स पे, और इंटरेस्ट तो लेकिन हमें डिपॉजिटेड के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये डिपेंडेंट हो गया तो वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब स्केल चूज करनी है, तो देखिए यहाँ लिखा है 100, 200, 300, 500, तो 100 का मल्टीपल है
तो x पे 100 लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, और x, ठीक, ये हो जाएगा नीचे सम डिपॉजिटेड। एरो, ठीक। अब हमें y एक्सिस को शो करना है, तो देखिए लिखा 10, 20, 30, 50, तो 10 का मल्टीपल है तो हम इसके लिए 10 लेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम y और ये हो जाएगा SI फॉर अ ईयर। पे एरो, चलिए अब जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 100, 10, ठीक है, तो 100 ये हो गया, फिर 10 ऊपर ये हो गया 100, 10, ठीक है। दूसरा है 200, 20, तो 200 और 20 ये हो गया, तो 200, 20, फिर है 300, 30, तो 300, 30 ये हो गया, फिर है 500, 50, तो 500 ये और 50 ये रहा, ये हो गया 500, 50, ठीक है। चलिए अब इसके थ्रू हम एक लाइन पास कराते हैं, ठीक है, देखिए लाइन पास हो गई है। चलिए हम स्केल लिख लेते हैं, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो क्वेश्चन का आंसर पूछा है, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 250, अगर हम 250 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा। तो ग्राफ पे देखिए डिपॉजिटेड वाला 250 ये है, ठीक है। अब डॉटेड लाइन से इसको हम ऊपर करते हैं, देखते हैं कहां पे मिलता है, ये इधर आएंगे, हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है, मीन्स 25 होगा, हम यहां लिखेंगे रुपीज 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 70, कितना हम डिपॉजिट करें तो एनुअल इंटरेस्ट हमें 70 रुपीज मिले, तो चलिए हम देखते हैं। तो 70 रुपीज तो यहाँ है, थोड़ा सा इस लाइन को हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 70 के पास पहुंच पाए हैं, तो हमसे पूछ रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट 70 है, तो देखिए हम पहुंचेंगे यहां, ठीक है, तो अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ, नीचे आएंगे 700, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा रुपीज 700, सिंपल सा था, 700 डिपॉजिट करेंगे 70 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो हियर गिवन क्वेश्चन नंबर 1 which are from NCERT book exercise 15.3 which are same as example 1 which we discussed earlier in the video, and question number 2, so ये exercise का question नहीं है, ये extra question है आपके लिए, और ये example number 2 के तरीके का question है, एक बार question देख लीजिए। अजीत can ride a scooter constantly at a speed of 30 kilometers per hour, एक घंटे में 30 किलोमीटर यही बता रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो ड्रॉ ए टाइम डिस्टेंस ग्राफ, तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाना है, टाइम एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ, यूज इट टू फाइंड द टू क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन फिर हमें फाइंड करना है ग्राफ के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल में क्या बनाना पड़ेगा, टाइम पहले फिर उसके बाद डिस्टेंस, ठीक है। तो दिया है क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स अगर 1 आवर होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी 30 किलोमीटर, 2 आवर होगा
कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 13 to 260 किलोमीटर। ऐसे आप बना लीजिएगा, उसके बाद प्लॉट कर दीजिएगा, 5-6 बनाइएगा, उसके बाद फिर प्लॉट कर दीजिएगा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस चेक योर आंसर विच आर गिवन हियर। सो सिर्फ सेकंड वाले का दोनों पार्ट के आंसर दिए हैं, क्योंकि ग्राफ तो वेरी कर सकता है ना, स्केल तो आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।